आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत करने वाली विधियां, अर्थात भारत सरकार यानी कि अपने देश के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो किसी व्यक्तियों के अधिकारों को छीनता है, यानी कि अधिकारों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कानून में बदलाव किया जा सकता है लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देखो चार तरह की बातें कहते हैं। पहली बात तो ये कहता है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950, इससे पहले अगर कोई ऐसा कानून बन चुका था या फिर वो लागू भी है लेकिन उस कानून के अंदर कोई ऐसी लाइन लिखी हुई है जो व्यक्ति के अधिकारों को छीनती है, तो या तो उस कानून को डिलीट करो या उसके अंदर संशोधन करो। संशोधन करके मतलब उस लाइन को डिलीट करके वहां कुछ और ऐड करो। देखो कैसे, एक आईपीसी का सेक्शन बताता हूं मैं आपको, आईपीसी सेक्शन 61। ये कहता है कि भारत सरकार के पास ना ये पावर थी अकॉर्डिंग टू 61 कि जहां पर मर्जी हुई वहीं पर जमीन कब्जे में ले ली। देखो कैसे, ये कोई गांव है, अब भारत सरकार की नजर पड़ गई इस प्लॉट के ऊपर, तो भारत सरकार के पास ये अधिकार था कि जिस जमीन को चाहे ना उसको भारत सरकार के अंडर में ले सकती है जज के ऑर्डर के द्वारा, बाय जज अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 61। अब ये जमीन थी इस व्यक्ति की और भारत सरकार ने इससे बिना पूछे ही छीन ली, क्योंकि 61 अथॉरिटी देता है, भारत सरकार ने जमीन छीन ली लेकिन इस व्यक्ति का अधिकार था इस जमीन के ऊपर। अब ये व्यक्ति कहां पे जाएगा, अब ये तो खड़ा खड़ा तमाशा देखता रह गया और ना इससे पूछा, तो इसका अधिकार इसे छीन लिया या नहीं छीन लिया, आप बताइए। तो यही तो कहता है आर्टिकल 13, ऐसा कोई कानून है या तो उसको डिलीट करो या उसमें संशोधन करो। देन आईपीसी सेक्शन 61 को डिलीट कर दिया गया, यानी कि अब भारत सरकार के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो जिस जमीन को चाहे उसको अपने कब्जे में ले ले, उसके मालिक से उसको पूछना पड़ेगा भाई बेचेगा या नहीं बेचेगा, बेचेगा तो किस कीमत पर। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, आईपीसी सेक्शन आईपीसी का ये 59, आईपीसी के अंदर ना बहुत सारी धाराएं डिलीट की थी इसी कारण, अधिकारों के कारण। 59 ये कहता है अगर किसी व्यक्ति को काले पानी की सजा हो गई, काला पानी समझते हो जैसे ये अपना भारत, यहां पर काला पानी इतनी दूर, चलो जिसको सजा मिली वो तो एक कैदी है, उसको तो सजा वैसे भी काटनी है, चाहे वहां काटो या यहां काटो, सजा तो उसके लिए बराबर ही है, लेकिन कैदी से मिलने का अधिकार होता है परिवार वालों का, और अगर कैदी काला पानी चला गया तो परिवार वालों का अधिकार भी चला गया क्योंकि इतनी दूर वो मिलने नहीं जा सकते। तो कैदी के परिवार वालों का अधिकार छीन लिया कि नहीं छीन लिया, छीन लिया ना, तो यही तो कहता आर्टिकल 13, अधिकारों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जी, या तो डिलीट करो या उसमें संशोधन करो। इसको भी डिलीट कर दिया गया, चल भाई तेरे को डिलीट, यानी कि अब किसी को काला पानी की सजा नहीं मिलेगी। कितनी भयंकर सजाओ, भारत के अंदर जेल बहुत है, जेलों के अंदर जगह भी बहुत है, वहां पर आपको जगह मिलेगी। दूसरी बात, पहली बात समझ में आई, दूसरी बात कहता है कोई भी राज्य सरकार ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो व्यक्तियों के अधिकारों को छीनता है। देखो कैसे, जैसे मैं हरियाणा से हूं, आपको हरियाणा का एग्जाम्पल देता हूं। 21 साल की उम्र में एक लड़का और लड़की बालिग हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर दारू पीने का जो अधिकार होता ना वो होता 25 साल की उम्र, यानी कि 25 साल से कम का व्यक्ति हरियाणा में दारू नहीं पी सकता, लेकिन 21 साल वालों का तो नाश हो गया ना, इनका फंडामेंटल राइट छीन लिया हरियाणा सरकार ने, अब दारू पीने का अधिकार तो इनका भी है, अब ये क्या करे बेचारे। तो यही कहता है आर्टिकल 13, उस कानून को या डिलीट करो या उसमें संशोधन करो। अभी हाल ही के अंदर 11 फरवरी 2022 हरियाणा सरकार ने कानून के अंदर संशोधन किया, अब 21 साल का बच्चा भी दारू पी सकता है, मिल गया ना फंडामेंटल राइट, यही कहता है आर्टिकल 13। तीसरी बात देखो, तीसरी बात ये कहता है अगर कोई भी प्रथा जो व्यक्तियों के अधिकारों को छीनती है या कोई आदेश, गवर्नमेंट का कोई आदेश जो व्यक्तियों के अधिकारों को छीनती है या कोई अध्यादेश जो व्यक्तियों के अधिकारों को छीनती है तो उसके अंदर भी बदलाव किया जा सकता है, देन अपील, अपील करनी पड़ेगी जी। देखो कैसे, प्रथा है घूंघट प्रथा, सुना घूंघट प्रथा, लेडीज यहां तक का घूंघट निकालती हैं, भाई जिंदगी सबकी है, उनको भी अपनी आंखों से जिंदगी देखनी है, दुनिया देखनी है, लेकिन घूंघट प्रथा के पूरी जिंदगी अंधकार बन जाती है। अब वो अपील कर सकती है कोर्ट में कि जज साहब हमको ससुराल में है ना शर्ट और जींस पहनना है, हमको घूंघट नहीं निकालना, तो कोर्ट ऑर्डर देगी ना, तो वो उसको प्रथा जरूर, ऐसी प्रथा किस काम की यार जो व्यक्तियों के अधिकारों को छीनती है, समझ में आया, तो प्रथा को भी कैंसिल किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा आदेश आया जो व्यक्तियों के अधिकारों को छीनता है, देखो कैसे कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर क्या किया सरकार ने, कर्फ्यू लगा दिया कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उस एरिया के अंदर इतना ज्यादा कोरोना का प्रकोप नहीं था, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर अपनी अपील कर सकता है कि जज साहब
हमारे एरिया में जो कर्फ्यू लगा रखा ना भाई, अधिकार तो हमारा भी है बाहर निकलने का, इतनी बीमारी नहीं है, इतना प्रकोप नहीं है, तो देन वो आदेश गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है। इसी तरह अध्यादेश, समझ में आया? आर्टिकल 13 चौथी बात देखो, चौथी बात ये कहता है अगर कोई भी कानून अकॉर्डिंग टू 368 बना है, अनुच्छेद 368, देखो होता क्या है वैसे, देखो 100% संसद होते हैं, अगर किसी कानून को बनाने के लिए 51% सांसद राजी हो जाए तो वो कानून डन हो जाएगा जी, बस इतनी सी बात समझ लो, बाकी डिटेल में मैं आपको आगे करवाऊंगा। तो अगर इसके अनुसार कोई कानून बनाना, वहां पर आर्टिकल 13 टांग नहीं अड़ाएगा। क्यों नहीं अड़ाएगा? क्योंकि अपने आप में एक विशेषज्ञ है जी, अब 51% सांसद कोई कानून बना रहे हैं तो सीधी सी बात है एक एक लाइन को ध्यान में रखेंगे, व्यक्तियों के अधिकारों को ध्यान में रखेंगे, वहां इतनी छानबीन की जरूरत पड़ेगी नहीं, विशेषज्ञ है, इतना समझ लो। आर्टिकल 13 आपको समझ में आया या नहीं आया, आसान लगा मुश्किल लगा जरूर बताएं। सीखते हैं आर्टिकल 14, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।